हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके थे और उसका नेक्स्ट पॉइंट है, हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं कि सिंगल पेरेंट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एक पेरेंट काफ़ी होता है, ऑफस्प्रिंग इज़ क्लोन्स, सेम एग्जैक्ट कॉपीज, चाहे वो डिप्लॉयड हो या हैप्लॉयड हो, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि मियोसिस नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, तो पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो है कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो अकर इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो, जैसे ज़्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है और मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल सेलुलर में सिर्फ एसेक्सुअल होगा, सिंगल सेलुलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब कंडीशंस कैसी हो, अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब यह है कि फूड नहीं है अच्छा, या एटमॉस्फेयर सही नहीं है। तो उस टाइम पर अगर क्लोन्स पैदा होते हैं, क्लोन्स हम जानते हैं कि सारी की सारी ऑफस्प्रिंग कैसी है, सेम, जिनके अंदर जेनेटिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हम अपने सिबलिंग्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, इवन जो ट्विंस होते हैं वो भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं, तो क्लोन्स बिल्कुल सेम होते हैं। अब अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, सेम हैं, तो सारे के सारे उनके जितने भी जीन वगैरह हैं, कैरेक्टर्स हैं, सब कुछ सेम है, क्लोन्स कहलाएंगे। अब क्या है कि क्लोन्स हैं और सब कुछ सेम है, लेकिन सपोज़ कीजिए कोई डिजीज़ फैली या ऐसी कोई कंडीशन हो गई जब ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनके जीनोटाइप, उनके जीन्स वगैरह सब अलग हैं, तो क्या होगा कि इस डिफरेंट जीन की वजह से क्या होगा कि कोई एक को अगर डिजीज़ लगती है तो दूसरे को नहीं लगेगी, क्योंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है उनका, अलग अलग है। वो किसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से। क्या क्रिएट होता है, हमने पहले ये चीज़ पढ़ी है, क्या क्रिएट होता है, वेरिएशंस क्रिएट होती है अलग अलग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, होता है, लेकिन तब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन में उसे अपनी प्रोजेनी बचानी होती है, प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग बचानी होती है। तो कोई भी फूड की कमी हो गई, डिजीज़ फैली, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि अलग अलग जीन होने की वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन होने की वजह से, ठीक है, वो क्या कर जाते हैं, कोई ना कोई तो सर्वाइव करेगा, कोई ना कोई तो सर्वाइव करेगा। जैसे आपने देखा होगा कोई टीवी में ऐड आता है एंटीसेप्टिक का या सोप का या सैनिटाइज़र का, तो आप क्या देखते हैं कि 99.9% जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 0.1% बचता है। तो क्यों बचता है 0.1%? 0.1% इसलिए बचता है बिकॉज उनका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे से अलग है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में उन्हें फ़ायदा है कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, अलग अलग है, तो इसकी वजह से सर्वाइवल के चांस हो जाते हैं। लेकिन जनरली सिंगल सेल में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सिंपल है, और खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मल्टी सेलुलर में भी दोनों होते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। तो जब हम बात करें कि टाइम कंज्यूमिंग कौन सा नहीं है, या सिंगल पेरेंट बेस्ड कौन सा है, या इजी कौन सा हो जाता है, तो ये वाला एसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई डिजास्टर आ गया, फूड नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग चाहिए, क्योंकि सबका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होगा, सब एक जैसे होंगे, कोई फ़र्क नहीं है। तो एक बीमारी किसी एक को लगेगी तो दूसरे को वो लगी जाएगी, तो ये अच्छा है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ईजीली हो जाता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, टू पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी अनफेवरेबल कंडीशन में ये बहुत अच्छा होता है, और सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा होते हैं।
दूसरा है इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरा रिप्रोडक्शन अकर बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन ही एक ऐसा प्रोसेस है, सेल डिवीजन माइटोसिस ही है, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि माइटोसिस में किसी भी तरीके से रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ना ही कोई रिकॉम्बिनेशन होता है, ना ही कोई जेनेटिक चेंजेस होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बैक्टीरिया और यीस्ट में होता है. तो ये वाले कौन कौन से देखे, बाइनरी फिशन, बर्ड इंसेस्टेशन, स्पोरुलेशन, ये सारे के सारे कॉमन है बैक्टीरिया और यीस्ट में. और सेकेंड है जो यीस्ट प्लांट्स और एनिमल्स में है वो हैं जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड, गेम्यूल्स. और दूसरे जो हैं वो हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन. तो हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम एक चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, ए माइटोसिस क्या चीज़ होती है. ठीक है, आप तीन तरीके के रिप्रोडक्शन के बारे में, हम तीन तरीके के सेल डिवीजन के बारे में हम जानते हैं 11th क्लास में, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताई है. कि तीन तरीके का सेल डिवीजन होता है, एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको. सेल डिवीजन जो है बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. ए माइटोसिस, ये ए माइटोसिस माइटोसिस टाइप ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी हम देखते हैं. दूसरा है माइटोसिस और थर्ड जो है वो मियोसिस है. तो ए माइटोसिस में क्या होता है, ए माइटोसिस में जब एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, आपको ध्यान रखना है कि ये मदर सेल कहलाएगी और डॉटर सेल कहलाएगी, तो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो जो स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे ना, ये स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स का प्रोडक्शन नहीं होता ए माइटोसिस में. हालांकि सेल नॉर्मली डिवाइड हो जाती है पर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते, ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है. माइटोसिस भी होती है यूनिसेलुलर में. माइटोसिस में नॉर्मल जो सेल डिवीजन है आपने 11th क्लास में पढ़ा है, उस तरीके से सेल डिवाइड होता है, इक्वेटोरियल प्लेट बनती है और मेटाफेज होता है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स क्रिएट होते हैं. और इसमें कंडीशन क्या रहती है, 2N. ठीक है, इसमें माइटोसिस है तो इसमें भी कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं है, ये भी नॉन रिडक्शन डिवीजन है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहने वाला है डिवीजन में, ये भी नॉन रिडक्शन है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा. और ये जो है ये कोई ग्रोथ फैक्टर या डेवलपमेंट के लिए नहीं होते, ये दोनों जब होते हैं तो इसमें ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है, इस तरीके की चीज़ें होती है कि ऑर्गेनिज्म को साइज़ बढ़ानी है मोस्ट प्रोबेबली. और नॉर्मली डिवीजन के लिए भी हो सकते हैं आगे रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये ग्रोथ नहीं है, दिस इज़ नॉट ग्रोथ. इसमें सिर्फ एक चीज़ बनती है और वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. ये हमारा मियोसिस है जिसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है. तो अभी हम जो है रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम इन तीन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो हम देखते हैं कि एमाइटोसिस क्या होता है. एमाइटोसिस इज सेल डिवीजन बाय सिंपल क्लीवेज. सिंपल क्लीवेज मतलब एक सेल जो है वो क्लीव हो जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ऑफ द न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन. क्या चीज़ हम बोल रहे हैं कि स्पिंडल नहीं बनते हैं, एस्टर्स नहीं बनते हैं जो पुलिंग करते हैं क्रोमोसोम को दो पार्ट में, वो चीज़ नहीं बनती है. स्पिंडल फॉर्मेशन और अपीरेंस ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अपीरेंस नहीं होता, और ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन. एक सेल है और वो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो गई है. नेक्स्ट हम आते हैं सबसे पहले बाइनरी फिशन के ऊपर. और बाइनरी फिशन जो है वो पैरामीशियम और अमीबा के अंदर होता है. अब जो ये फिशन है ना, ये हमको ध्यान रखना है कि जनरली ये जो फिशन है ये एमाइटोसिस है, आपको ध्यान रखना है. आपको क्या ध्यान रखना है, दैट फिशन इज डिवीजन ऑफ काइंड ऑफ डिवीजन ए माइटोसिस, ये हमको ध्यान रखना है. तो इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है और सेल है, न्यूक्लियस का अमाउंट डबल होता है, आप लोग सेल साइकिल पढ़ चुके हैं. उसके बाद साइटोप्लाज्म का अमाउंट डबल होता है, उसके बाद एक नॉर्मल फिशन होता है या एमाइटोसिस होती है, और एक जो सेल है वो दो इक्वल न्यूक्लियस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म फिर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सेल प्लेट बनती है और दो डॉटर सेल डिवाइड हो जाती है. तो ये अमीबा में हो रहा है
और ये जो है सिंपल एक बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। आपको पता है न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में एक फ़र्क है यूकेरियोट और प्रोकेरियोट का। उसके बाद ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियोइड दो पार्ट में डिवाइड हुआ। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म का अमाउंट डबल हुआ और दो डॉटर सेल में क्या हो गया है, इक्वली डिवाइड हो गया है। तो ये तो था हमारा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल एक मदर सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है। मदर सेल किस में डिवाइड हो रही है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है। अब अगर अपन मल्टीपल फिशन की बात करें जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में होता है, आपने 10th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा है, शाइजोगोनी भी कहलाती है ये चीज़, सेम प्रोसेस है ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि बार बार डिविजन्स हो रहे हैं। आप देख लीजिए, ये एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से दो बने, फिर ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। देखिए ये एक सेल है और इसमें न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस कितने, दो में डिवाइड हो गया है। अभी तक साइटोप्लाज्म का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और सेल वॉल या सेल प्लेट नहीं बनेगी। कब तक नहीं बनेगी, जब तक मल्टीपल न्यूक्लियस नहीं हो जाए। ये एक न्यूक्लियस माइटोसिस के थ्रू वापस दो में डिवाइड होगा और ये एक न्यूक्लियस वापस दो में डिवाइड होगा। इस तरीके से मल्टीपल डिविजन्स हो जाएंगे, हर एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे ठीक है। और साइटो एक ही कॉमन साइटोप्लाज्म में रहेंगे, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है। फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म आपस में पास में एग्रीगेट होगा और धीरे धीरे जो है सेल वॉल का डेवलपमेंट होने लग जाएगा, बहुत धीरे धीरे। तो इस तरीके से बहुत सारे शाइजोन भी बोलते हैं उसको, कंडीशन को, बहुत सारे डिवाइड हो गए। और उसके बाद क्या होगा कि ये सारे के सारे अब न्यू सेल्स बन गई हैं। तो अभी रप्चर होने से पहले सेल वॉल नहीं बनती, लेकिन जैसे ही रप्चर होता है उससे पहले सेल वॉल सबके ऊपर बन जाती है। और ये जो एक बड़ी सी मदर सेल थी वो क्या हो गई, बहुत सारी सेल में डिवाइड हो गई है और बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बन गई हैं। ये आगे भी सेम इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करती रहेगी। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो इमॉर्टल होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इमॉर्टल कैसे हैं, आप देख लीजिए इमॉर्टल कैसे हैं, क्योंकि ओरिजिनल बॉडी हमको कभी नहीं मिलेगी, वो अपनी प्रोजेनीज में डिवाइड हो चुकी है। ये आप बता सकते हैं क्या है, ये बैक्टीरिया है। जी हाँ, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। देखिए सारी बैक्टीरियल कॉलोनी, ये छोटी बैक्टीरियल कॉलोनी, ये बड़ी वाली, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी है। तो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। कैसी बैक्टीरिया की कॉलोनी है कि ये एक मीडियम है नीचे जो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, न्यूट्रीट्यूब मीडियम है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत कम अमाउंट में बैक्टीरिया, बहुत कम अमाउंट में इस पर हम लोग जस्ट टच करवा देते हैं ठीक है। टच करवाने के बाद ये थोड़े टाइम बाद इतनी सारी कॉलोनीज ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो ऑटोमेटिकली कॉलोनीज कैसी बनी, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक सिंपल कॉलोनीज में मिलियंस में बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि आप एक सिंगल बैक्टीरिया को नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और यहाँ पर हमने किसी तरीके का माइक्रोस्कोप यूज़ में नहीं लिया है। तो ये जो कॉलोनीज है इसमें मिलियंस में बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसमें बिलियंस में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने तो सिर्फ ऐसे टच करा था, टच करने के बाद इतना सारा अमाउंट कहाँ से आया, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है। वो डिपेंड करता है कि बाइनरी फिशन था या फिर मल्टीपल फिशन था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिवीजन का वो है बर्ड्स ठीक है। बर्ड ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रा का है, हाइड्रा में बडिंग है। ये यीस्ट है और ये यीस्ट का रियल स्ट्रक्चर है जो अंडर माइक्रोस्कोप लिया गया है। तो हम देखते हैं कि बडिंग में किस तरीके से होता है। बडिंग भी माइटोसिस का एक प्रोसेस है। बडिंग में क्या होता है हम देखते हैं। बडिंग में ये हमारा हाइड्रा है नॉर्मल। अब यहाँ पर एक सेल में वही हमारा माइटोसिस हुआ और माइटोसिस से एक सेल कितने सेल में डिवाइड हुई, दो सेल में डिवाइड हुई। फिर इन सेल्स में फर्दर माइटोसिस होगा और ये बड की साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये बड जो है वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी। डिटैच होने के बाद ये बड एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर इसके ऊपर भी क्या होगा, छोटा सा बड क्रिएट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है बडिंग का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। दूसरा ये तो हाइड्रा था, नेक्स्ट जो है वो है यीस्ट। तो यीस्ट में यीस्ट आपको ध्यान रखना है कि यीस्ट एक सिंगल सेलुलर
फंगस है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फंजाई है और सिंगल सेलुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज फंजाई एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, लेकिन यीस्ट अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अकेला ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होता है. तो यीस्ट में क्या होता है देखते हैं हम एक बार. ये सेल है, सेम प्रोसेस है, यहाँ पर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ. उसके बाद अब क्या है कि ये जब ऐसे बड बनती है ना, तो ये डिटैच नहीं होती इससे, ये इससे अटैच रहती है, ठीक है, बड की फॉर्म में ये इससे अटैच रहती है, तो इसको नाम दे देते हैं हम ए. अब ये इससे पेरेंट से डिटैच नहीं होगी, पेरेंट के साथ लगी हुई होती है. दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि सेम कंडीशन चल रही है, अब क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था ये वापस दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये पहला वाला तो सेल अलग ही चल रहा है जो अपना ए था. अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट था ये दो में डिवाइड हो जाएगा और ए वाला पार्ट जो है वो आगे खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा ए वाला पार्ट, ये ए हो गया, ठीक है, और यहाँ जो डिवीजन हुआ था ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा. तो ऐसे बहुत लंबी चेन कई बार क्या होती है, चेन बन जाती है यीस्ट के अंदर और यहाँ पर बड फॉर्मेशन होता है, बडिंग बनती है. नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा इंसिस्टेशन, सिस्ट का बनना, ठीक है. सिस्ट क्या चीज़ होती है, ये एक बैक्टीरिया में होता है जनरली, ये वेजिटेटिव सेल है. अब वेजिटेटिव सेल है मतलब हमें पता है कि वेजिटेटिव सेल है तो इसमें किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा. तो जनरली क्या होता है कि कभी कभी कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, और इंसिस्टेशन न सिर्फ अमीबा में बैक्टीरिया में होता है, अमीबा वगैरह में भी हो सकता है. तो क्या होता है, अमीबा जो होता है उसको सूडोपोडिया जो होता है, आपको पता है सूडोपोडिया क्या होते हैं, वो ख़त्म कर देता है या अंदर की तरफ ले लेता है, और सूडोपोडिया अंदर लेने के बाद अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग सीक्रेट करता है. हार्ड कवरिंग सीक्रेट क्यों करता है, जब कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, इंसिस्टेशन. तो यहाँ पर आपको सिस्ट दिख रही है, ठीक है, ये तो बैक्टीरिया की बात हो रही है. यहाँ पर इसने एक हार्ड कवरिंग अपने अंदर बना ली है और ये चीज़ क्या है, ये सिस्ट है, मदर सेल के अंदर ही क्या बनी है, एक सिस्ट वाली कंडीशन बन गई, इसे समझते हैं हम लोग. ये अमीबा है और सूडोपोडिया, अब इसने सूडोपोडिया अपने विथड्रॉ कर लिए हैं और अंदर अपने थ्री लेयर स्टे अंदर की तरफ तीन लेयर सीक्रेट करी है, 1, 2 एंड 3, ठीक है, और एक सिस्ट बना लिए, सिस्ट हम समझते हैं गांठ, और ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, इंसिस्टेशन वाली कंडीशन कहलाती है. अब जब इंसिस्टेशन वाली कंडीशन हो गई है और उसके बाद यहाँ पर ये सिस्ट बन गई है, अब जब कंडीशन वापस से फेवरेबल होती है, ये हम देखते हैं कि यहाँ पर इसने सिस्ट बनाई थी और वो सिस्ट फिर क्या होती है, धीरे धीरे, ये तो इंसिस्टेशन हुआ, ठीक है, अब ये सिस्ट जो है ये डिवाइड होना शुरू करती है. ये सिस्ट क्या होती है, वही माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती है और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं, और वही कंडीशन होगी, मल्टीपल स्पोर बनेंगे और अभी इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, फिर धीरे धीरे साइज बड़ी होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है और धीरे धीरे सबके आगे क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है, और फिर सडनली ये बर्स्ट होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर की साइड में निकल जाते हैं. तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, स्पोरुलेशन. और अमीबा की बात कर रहे हैं तो ये जो बहुत छोटे छोटे स्पोर्स बने हैं उनको सूडोपोडियो स्पोर्स भी कहते हैं. सूडोपोडियो स्पोर्स एक बार वापस समझते हैं, सूडोपोडिया अंदर गए, विथड्रॉ हुआ, अंदर ले लिया और थ्री लेयर्स बनाएंगे, कितनी, वन लेयर है तो तीन लेयर हो जाएगी इसकी. तो इंसिस्टेशन हो गया, ये न्यूक्लियस है, गांठ बन गई, अंदर ही गांठ बन गई है मदर सेल के अंदर. उसके बाद ये जो सिस्ट है, गांठ है, वो फिर ये कब हुआ, जब कंडीशन अनफेवरेबल है. कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है. तो इस तरीके का थ्री कवरिंग बनाने का क्या मतलब है और सूडोपोडिया अंदर विथड्रॉ करने का, खींचने का क्या मतलब है, आपको पता है कि सिस्ट बनी है, गांठ बनी है और थ्री लेयर ऊपर आई है, मतलब कंडीशन कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं है, जर्मिनेशन के चांसेस नहीं है, फूड अपटेक के चांसेस नहीं, तो एक्चुअली में ये एक प्रोटेक्टिव जोन में जा रहा है कि हाँ अभी मैं कुछ नहीं करना मुझे. लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो सडनली ये माइटोसिस के थ्रू बहुत सारे
अपने स्पोर्स क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पोरुलेशन। ये देखिए सूडोपोडियो स्पोर्स बोलेंगे उसको, अमीबा में हो रहा है, अंदर एंडोस्पोर है, अंदर एंडोस्पोर मतलब अंदर की तरफ स्पोर बन रहा है, और फिर ये धीरे धीरे सिस्ट बनेगी, लेयर्स बनेगी, उसके बाद स्पोर्स धीरे धीरे बनेंगे, स्पोर्स अपने आप में डिवाइड होंगे, स्पोर्स साइज में बड़े होंगे, और फिर स्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे।